subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज बात करेंगे गुजरात के दंगल की, गुजरात के चुनाव की। जी हां, गुजरात चुनाव में हमारा SPN9 न्यूज आपको एक ना एक अपडेट डेली देता है और कई अपडेट्स के साथ लेकर आते हैं हम नई खबरों और नए मसलों साथ, नए मुद्दों के साथ, क्योंकि गुजरात चुनाव अहम है और गुजरात की जनता के साथ नाइंसाफी ना हो ये सभी की जिम्मेदारी है, यानी कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि सियासत में जिस तरह का खेल खेला जा रहा है वो देखने को मिलता है कि जिस तरीके से सिर्फ सत्ता पर रसूखदार लोग सिर्फ जनता का इस्तेमाल करते हैं और जनता का ऊपर राज करते हैं वो शायद निंदनीय है, क्योंकि देखा जाता है कि जनता को सिर्फ यूज किया जाता है और वक्त के साथ निकल जाने पर उसे एक तरफ कर दिया जाता है। फिर क्या है, फिर तो हम सत्ता के मालिक हो गए और सत्ता में जी जान लगाने के बाद जितनी ताकत थी झोंक दी और इसके बाद जब जनता के पास कुछ नहीं होता है तो वही नेता सामने नजर नहीं आते। जिस तरीके से देखा गया है कि अगर सवाल ये हो कि जनता या समाज के लिए कोई काम करता है उसके अंदर द्वेष भावना किस तरह की पैदा होती, पार्टी से भी द्वेष भावना हो सकती है, इसमें कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता किसी से द्वेष भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कई चीज़ों से हम लोग सहमत नहीं होते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे जो भी हो, हम किसी ना किसी से असहमत जरूर रहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि गुजरात चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि जहां हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी जो तिगड़ी है गुजरात की वो बीजेपी को चुनौती दे रही है, ये कहना सही होगा कि वास्तव में चुनौती दे रही है। अब देखने को ये भी मिल रहा है कि इसमें कई लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर विरोधी है और इन्हीं में से समाज सेविका और लेखिका अरुंधति राय जो लेखिका भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिग्नेश मेवाणी को पूरा समर्थन दे दिया है। समर्थन ही नहीं, उन्होंने 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है कि जिग्नेश मेवाणी आप चुनाव लड़िए, हम आपको आपके साथ हैं, साम दाम दंड भेद जिस तरीके से अपनाया जाए लेकिन चुनाव आपको जीतना है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पैसा डोनेट किया है पब्लिक क्राउड पे, जो उन्होंने पैसा डोनेट किया है। दरअसल जिग्नेश मेवाणी गुजरात विधानसभा में बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मैं बताऊं, और वो चुनाव में क्राउड फंडिंग में जुटी हुए, वो चाहते हैं कि क्राउड जो फंडिंग है वो उनके पास उस तरीके के पैसे आए और वो उस पर लगाए। मैं पूरी खबर की तरफ अगर आपको रुख करूं तो कहते हैं, कहने को तो समाज सेविका अरुंधति राय का गुजरात विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनका इंटरेस्ट इस चुनाव में जाग उठा है। वो चुनाव कैंपेन में अपना पैसा लगा रही हैं, वो भी किसी और के लिए नहीं, जाहिर है सवाल उठना लाजमी भी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी को ठहराने के लिए अरुंधति राय बीजेपी विरोधी लोगों की मदद कर रही हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को सामाजिक कार्यकर्ता और बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अरुंधति राय का समर्थन मिल गया है। अरुंधति ने जिग्नेश का चुनाव प्रचार के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद की है, उन्हें पैसा डोनेट किया है। दरअसल जिग्नेश मेवाणी गुजरात विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं और क्राउड फंडिंग में जुटे हुए हैं, क्योंकि जिग्नेश मेवाणी पर इतना पैसा नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन वो चाहते हैं कि शुरुआत हो, चाहे वो जनता के द्वारा हो और जनता इसमें उनकी सहायता कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के इस दलित नेता ने अब तक
क्राउड फंडिंग के नाम पर 9 लाख रुपए जुटा लिए हैं। खुद जिग्नेश मेवाणी ने ही मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि उसे अरुंधति राय से 3 लाख रुपए मिले हैं। अरुंधति राय के अलावा नारीवादी लेखक प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने भी 50,000 रुपए का चंदा दिया है। जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि वो अब गुजरात में अपने चुनाव अभियान को और भी मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। जिग्नेश मेवाणी गुजरात विधानसभा चुनाव में बडगाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जिग्नेश को कांग्रेस पार्टी का भी पूरा सपोर्ट हासिल है। दरअसल पहले कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जिस तरह से अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर की थी, उसी तरह से जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थाम लें, लेकिन जिग्नेश ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बजाय सिर्फ उसके समर्थन की बात की है। कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवाणी को भी लग रहा था कि कांग्रेस है वैसे भी कलंकित है, क्योंकि अस्तित्व देश में कांग्रेस का बहुत कम रह गया है और जितना अस्तित्व अब बचा पाई है कांग्रेस वो सिर्फ राहुल गांधी की बदौलत, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पोजीशन पे, जिस तरीके से पायदान पर कांग्रेस को ला दिया है, कांग्रेस ही नहीं सारे नेता भी जिम्मेदार हैं। लेकिन गुजरात की विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक अलग रुख अपनाया है और जिस तरीके वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को जीवंत किया है राहुल गांधी ने, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने कांग्रेस को जीवित कर दिया है। और हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकुर ने भले ही उनको पूरा समर्थन दे दिया, लेकिन जिग्नेश मेवाणी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी भी पूरी तरीके से स्फूर्ति के साथ कांग्रेस गुजरात चुनाव में नहीं जागी है और यही इसीलिए वो पूरा समर्थन नहीं दिया है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वो कहा पालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूं तो कम से कम जनता ये तो नहीं कहेगी कि कांग्रेस के साथ मिलकर के जनता के साथ अविश्वास प्रकट किया है आपने। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जिग्नेश मेवाणी को अरुंधति राय ने, लेखिका सामाजिककर्ता ने, इस तरीके का 3 लाख रुपए दिए हैं और वो चाहती हैं कि बीजेपी के खिलाफ जिग्नेश मेवाणी बिगुल फूकें और बीजेपी के खिलाफ लड़ें, क्योंकि कहा जाता है कि खबरों के द्वारा बताया जाता है कि अरुंधति राय है वो जिग्नेश बीजेपी के कट्टर विरोधी रही हैं और वो हमेशा से कट्टर विरोधी रही हैं और उन विरोध भी करती हैं, इसीलिए उन्होंने जिग्नेश मेवाणी को समर्थन दिया है, या फिर यूं कहें कि वो चाहती हैं कि कोई एक ऐसा युवा है जो कांग्रेस को भी समर्थन नहीं कर रहा है, जो बीजेपी को भी समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन गुजरात चुनाव में वो अपने बलबूते पर डटकर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वो उन लोगों का, ऐसी जनता का मसीहा बना हुआ है जिसकी सरकार भी सुनना नहीं चाह रही है। और यही चीज़ है कि जिग्नेश मेवाणी इसी को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और क्राउड फंडिंग के जरिए गुजरात के समर में हुंकार भरेंगे और उन्होंने चुनाव से जुड़ी बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी भी कर ली हैं और अब अच्छे से तैयारी करके वो गुजरात के समर में कूद चुके हैं। अब बात ये आती है कि अरुंधति राय जो है उनका पैसा कहीं ना कहीं काम आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर जिग्नेश मेवाणी जीत जाते हैं चुनाव में तो उनका पैसे लगाना सफल हो जाएगा। और यही बात है कि अगर जिग्नेश मेवाणी जीतते हैं तो अरुंधति राय की भी जीत है उसी में। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पैसे ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन जो विधायक बनेगा, जो जज्बे के साथ वो विधायक चुने जाएंगे, उसकी खुशी अलग ही होगी। गुजरात चुनाव में हर एक पार्टी अपना एक अलग हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। हर पार्टी अपनी विपक्षी पार्टी को चित्त करने के लिए भरकस प्रयास कर रही है, साम दाम दंड भेद सारे अपना रही है, सारे पैंतरे अपना रही है कि किस तरीके से सामने वाली पार्टी को चित्त किया जाए। लेकिन गुजरात जिस तरीके से बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है यूपी नगर निकाय चुनाव से, उससे यही लग रहा है कि शायद गुजरात में भी यही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो यूपी के अंदर जिस तरीके से हवा बनी हुई थी कि चुनाव नहीं जीतेंगे, और ये योगी आदित्यनाथ की प्रथम परीक्षा थी, अगर इसमें योगी आदित्यनाथ कहीं पिछड़ जाते तो शायद है कि उनको बीजेपी माफ़ करती और कहीं ना कहीं उनका जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता सोचती है कि
आने वाले टाइम में बीजेपी एक बहुत ही विश्वसनीय पार्टी बनेगी, और उसी को लेकर के अब देखने को मिल रहा है कि गुजरात में किस तरीके का कमल खिलता है या फिर हाथ का पंजा लोगों पर लगेगा। अब जिग्नेश मेवानी को अरुंधति राय ने जो जिस तरीके का डोनेशन दिया है और उस तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ कितना काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए एसपीएन नाइन न्यूज के साथ, आपको गुजरात दंगल से लेकर के देश दुनिया भर की हर खबरों तक आप तक पहुंचाती रहेगी। और आप बने रहिए एसपीएन नाइन न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।